गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका डेली ब्लॉग में। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं हरचिला और अभी आज हम जा रहे हैं बद्याकोट। तो अभी हरचिला में पहुँच चुके हैं और यहाँ आगे रोड का काम चल रहा, तो अभी रास्ता थोड़ा ख़राब हो रखा है, वो सफाई कर रहा है वहाँ पर, तो अभी सफाई करेगा उसके बाद निकलेंगे आगे को। देखते हैं वहाँ पर जेसीबी वगैरह लगी है, ऊपर साइड रोड बन रहा, देख सकते हैं जैसे भी वहाँ पे काम कर रहा है, एक वहाँ पे और एक नीचे है। तो अभी निकलते फिलहाल थोड़ी देर में, शायद टाइम लगेगा अभी बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब भी लोग गाड़ी में बैठ रखे हैं तो फिर अभी आज दिखाएंगे हम आपको बद्याकोट करनी से होते हुए बागेश्वर टू बद्याकोट। तो बद्याकोट पहली बार जा रहा हूँ मैं भी, देखता हूँ कैसा रहता है आज का सीन। तो मिलते हैं ब्लॉग के आगे, मिलने रहा ब्लॉग में। तो गाइस ये है हरचिला, वो स्कूल है वहाँ पर हरचिला का, देख सकते हैं जाम भी लग सकता है शायद, इस साइड से इतनी गाड़ियाँ तो उधर साइड से भी होंगी ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा। पता नहीं कितना टाइम लगता है, टाइम लगा रहे हो, सफाई करने लग गया अभी। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कपकोट और ले रहे हैं अभी चावल वगैरह सामान राशन की दुकान पर, तो राशन वगैरह ले रहे हैं और राशन वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे से, तो फिर यहाँ पे से निकलेंगे हम लोग आगे को। तो ये अंकल की शॉप है यहाँ पे, तो यहाँ से भी हम लोग राशन वगैरह ले रहे हैं वर्करों का। तो अभी चलते हैं उसके बाद। भाई जब भी सारा सामान रख दिया और हम देख सकते हैं पूरी गाड़ी लोड हो चुकी है, पीछे भी दिखा दे आगे भी दिखा दे, पीछे भी देख सकते हैं। हम बनवा रहे हैं भराड़ी में चाइनीज भेल, हमारे भरत भाई बना रहे हैं चाइनीज भेल। और भाई बढ़िया, सुबह से नाश्ता भी नहीं कर रहा यार, बिना नाश्ते के निकले हैं। तीन हाफ पैक कर देगा अपना, इतना तीन चम्मच भी देना यार, फिर ले लेना ठीक है, अभी शाम को आते दे दूंगा तीन चम्मच। कैसे खाऊंगा ले जा रहा है चाइनीज भेल, ये देखो खाने का तरीका। गाइस अभी हम लोग भराड़े हैं और अभी भूख लग रही थी, चाइनीज भेल वगैरह बनवा रखी है पैक करके, तो अभी हम लोग जा रहे हटो हटो अंकल। तो गाइस अभी हम लोग भेल वगैरह पैक करा लिया, तो अभी निकलते हैं कहीं मस्त जगह बैठ के खाएंगे जहाँ भीड़ नहीं होगी, ठीक है, नज़ारा होगा। भराड़ी का बाजार है, छोटा सा बाजार है बस, एक ही उसमें पूरा। कितने बजे तक पहुँचेंगे हम बद्याकोट? बद्याकोट भाई टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता है, अभी तो चौड़ा है, 8 किलोमीटर की रोड है, टोली तक ही होगी, कटाई उटाई चल रही होगी। और ये हमारा गाएंगे पट्टी रोड है, डामन रोड गेट है, दानपुर का, ये दानपुर का गेट है, हाँ इन्हों किसी दानू का नाम भी लिखा होगा, दानपुर का गेट क्रॉस कर लिया है, ये पूरा दानपुर इलाका होगा मतलब। हाँ 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 सब जगह गाइस वहाँ पे रोड खराब हो रही, देख सकते हैं पूरा टूट रखा है, देख सकते हैं पूरे खराब हो रही रोड है। तो अभी पत्थर वगैरह डाल लेते हैं यहाँ पानी में, तो अभी हाथ धोने धोने के लिए क्या हो। तो अभी हम करमी पहुँचने वाले हैं, बस एक या 1.5 किलोमीटर बचाओ का ज़्यादा से ज़्यादा, और देख सकते हैं नज़ारा यहाँ से, व्यू अच्छा है। हाँ वो वजन जाता है गाड़ी में, तो गाड़ी ज़्यादा दब रही।
कुछ नहीं ला रहे, चलो खाने का भी लेके आता हूं। चलो भाई मैं भी नहीं ला रहा, कुछ खाने का लेते हैं ना। मैं भी यही बोलने वाला था आपको, बताया गाड़ी स्लो चलनी चाहिए। वो लॉन्डन नाम नमस्ते बोल रहे थे यार, जो अच्छा लगा यार कसम से। मैं मेरे को लगा था लॉन्डन बोलेगी वही। भाई गाड़ी वाला वो ठीक है, देर बजे करके जाएंगे। मैं तो कैसे मूड लग रहा है ना, मैं इतने का बताओ क्या पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए बद्दे कोट और सामान दे दिया इनका, हमने सामान देने आए थे जब भी इनके वर्कर का। तो अभी ये पीछे देख सकते हैं बद्दे कोट है, बहुत बड़ा गाँव है गाइस। ऊपर को चल दिया पूरा ऊपर को है और कच्ची रोड है, रोड का काम चल रहा। तो काफ़ी अच्छा गाँव है, नीचे आते वक्त स्कूल के बच्चे जाते, तो काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। नमस्ते वगैरह हाय वगैरह बोले तो नमस्ते वगैरह बोलते थे। तो अभी नीचे यहाँ नीचे बद्दकोट नीचे स्कूल है, वहाँ पे दिखाऊंगा, वहाँ पे बच्चे खेलते थे। तो काफ़ी अच्छा स्कूल है, वहाँ का बड़ा स्कूल है, ग्राउंड भी अच्छा था, वहाँ बच्चे खेलते थे। तो अभी काफ़ी खूबसूरत पहाड़ है गाइस, देख सकते हैं ऊपर बर्फ। बैक कैमरे से दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरे से थोड़ा। तो देख सकते हैं बर्फीले पहाड़े हैं, और भी सामान डाल लिया अपना बैग में, देख सकते हैं इतना ऊपर तक काम करने हैं हमने। भाई बागेश्वर से पहुँचते पहुँचते पूरे 3 बज चुके हैं, 9 बजे निकले थे करीबन, और यहाँ बद्दकोट पहुँचते पहुँचते 3 बज चुके हैं। क्योंकि ऑफ रोड है पूरी, रोड कहाँ कहीं कहीं पे सही है और तो वरना पूरी ऑफ रोड है, पूरी पूरी की पूरी ऑफ रोड है। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ देखने के लिए, और अच्छा है यहाँ का व्यू, नज़ारा अच्छा है, बहुत अच्छा है। गाँव भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है यहाँ का, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, ठंडा भी हो ही रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम निकलते हैं क्योंकि बागेश्वर बहुत दूर है यहाँ से, जितना आने में टाइम लगा लगता है उतना जाने में लगेगा नहीं, मगर बहुत टाइम लग गया हमें, 9 से 3 काफ़ी होते हैं गाइस। करीबन 70-80 किलोमीटर वो ड्राइवर अंकल बोले थे, करीबन 80 किलोमीटर तक होगा। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है बद्दकोट का, देख सकते हैं
पीले पीले सरसों के खेत, वहाँ उधर साइड भी है, देख सकते हैं बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। गांव के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं गाइस। अभी जाते वक्त बच्चे नमस्ते वगैरह बोल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा कि नमस्ते वगैरह बोलते हैं गाड़ी से। तो अभी हम लोग निकलते हैं, फिर सामान वगैरह दे, थोड़ा बात कर रहे हैं वो लोग, पता नहीं कुछ बातें कर रहे हैं। और ठंडा हो रहा काफ़ी बहुत ज़्यादा। टाइप का लग रहा था वहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं होटल पे। दो ही बनाया तीसरी। अभी हम रास्ते में वापस पहुँचे हैं ऊपर, बिना ही पहुँचने वाले हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जाते वक्त ही दिखा नहीं पाया था क्योंकि जल्दी आना था हमें, लेट भी हो रही थी। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, रखते हैं। ठीक है गाइस, बर्फीले पहाड़। तो अभी शाम का समय भी हो चुका है, तो शाम का समय हो चुका है, तो देख सकते हैं धूप सनसेट देख सकते हैं, वो दिख रहा होगा हल्का सा। तो नज़ारा काफ़ी सुंदर है गाइस, देख सकते हैं। लाइक तो बनता है गाइस इस नज़ारे के लिए। गाइस दिस प्लेस इज फकिंग ऑसम। Oh my God, बहुत तगड़ी जगह है। ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास है और ये सन वाला ग्लास है, सन ग्लास। गाइस पता ना कमेंट में कैसा लग रहा हूँ। चश्मा काफी अच्छा है, इसको रखेंगे जगह भाई तुम्हारी गाड़ी में। जिसका है वहीं पर लटका गया पूरा। गाइस देख सकते हैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग पहुँचे गाइस चौड़ा स्थल। तो ये अंकल बोल रहे थे यहाँ से चलते हैं, तो हमने बोला चलो दिखाते हैं। तो ये रहा यहाँ का मंदिर काली माता का, देख सकते हैं ना। ना वो लाहौर है, लाहौर।